साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी बहुत दूरियां हैं मेरे आसपास। आइए कहानी सुनते हैं। मैडम, यह रात की नींद का आगाज है या अभी आपकी सुबह ही नहीं हुई? क्या मतलब? मैंने उन्हीं आंखों को बमुश्किल तमाम खोलते हुए पूछा। मतलब यह कि शाम के 7 बज रहे हैं और कमरे का हुलिया देखकर तो यही लगता है कि आज यहाँ झाड़ू भी नहीं लगी है, इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपकी सुबह अभी नहीं हुई है। बाप रे, 7 बज रहे हैं! मेरी नींद अब एकदम काफूर हो चुकी थी और मैं कपड़े संभालते हुए उठ बैठी थी। जी हाँ, शाम के 7 बज रहे हैं। आपका यह खाकसार 6 घंटे की चाकरी करके अभी अभी लौटा है। आपका आराम अगर मुकम्मल हो गया हो तो एक कप चाय मिल जाती। अब तो सोने का सवाल ही नहीं था। चुपचाप उठकर बाथरूम गई, खूब सारा ठंडा पानी आंखों और चेहरे पर छिड़का, तब जाकर नींद की खुमारी कुछ दूर हुई। तन की थकान और मन की उदासी अपनी जगह कायम थी। शायद थकान 2-4 दिन में उतर भी जाएगी, पर मन की उदासी? बाहर आकर देखा, सोनल चाय लगा रही थी। अरे बेटा, मैं तो आ ही रही थी। कोई बात नहीं मम्मा, एक दिन मैंने बना ली तो क्या हुआ, आप इतनी थकी हुई जो थी। मैं तो हैरान रह गई, यह खिलंदड़ लड़की इस तरह सोच सकती है, इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर उसके पापा को बेटी की यह समझदारी रास नहीं आई। बोले, ये एक दिन की बात नहीं है बेटे, अब तो शायद रोज ही तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी। हाँ पापा, आपने ठीक कहा, अब दीदी जो नहीं है फिर उनके हिस्से का कुछ काम तो करना ही होगा ना, कहकर सोनल जाने लगी तो मैंने कहा, अपना भी कब यही ले आती ना। मैं और सचिन तो कब से पी चुके, आपके लिए भी बनाई थी, पर आप इतनी गहरी नींद में थी कि जगाने का मन ही नहीं हुआ। आपके हिस्से की चाय भी हमने गटक ली। आज तुम लोग कॉलेज नहीं गए क्या, इन्होंने पूछा। गए थे ना पापा, पर जल्दी लौट आए। फिर दरवाजा किसने खोला? यह तो जैसे क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे। पार्वती थी ना, मेरे आने के बाद ही गई, काम धाम समेटने के बाद बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। बोली, मम्मी जी थकी हारी थी सो जगाना अच्छा नहीं लगा, सोचा थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। मतलब नौकर चाकरों तक को एहसास है मेरी थकान का, मेरी मनस्थिति का, पर जिन्हें होना चाहिए उन्होंने तो जैसे मुझे कटघरे में ही खड़ा कर दिया है। उनकी दृष्टि, उनका स्वर, सब कुछ जैसे एक चुभन लिए हुए था। सोनल के जाते ही बिस्तर ठीक करते हुए मैंने जैसे अपने आप से कहा, लड़के और लड़की की शादी में यही तो फर्क होता है, लड़के की शादी के बाद घर में रौनक आ जाती है, मन में उत्साह भर जाता है, बिटिया की शादी के बाद घर में कैसा सन्नाटा खिंच जाता है, भीतर बाहर सब कुछ जैसे सुना सुना सा लगने लगता है। वैसे इतना सुना भी नहीं लगना चाहिए, घर में और भी बच्चे हैं। हाँ, यह बात अलग है कि वे तुम्हारे नहीं हैं। उनकी इस उक्ति पर मैं तो हैरान ही रह गई। फिर उन्हीं की तरह हौले स्वर में मैंने कहा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, नहीं तो मैं भूल ही चुकी थी कि वे बच्चे मेरे नहीं हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को भी यह बात याद नहीं है, नहीं तो पूनम इतने प्यार से चाय नहीं बना लाती। चाय तो खैर वह मेरे लिए लाई थी, सोचा होगा पापा बेचारे थके मांदे आए हैं, उन्हें एक कप चाय तो देनी ही चाहिए। इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, लड़ने की ना तो चाही थी ना ही मूड था। चुपचाप चाय की ट्रे उठाई और किचन में चली आई, देखा सोनल सब्जी काट रही है। अरे बेटा, मैं आ तो रही थी। मम्मी, उसने रहस्यमय अंदाज में कहा, मैंने भरवा भिंडी बनाने की कोशिश की है, पर पापा को मत बताना, नहीं तो इतनी सी बात का इशू बना लेंगे। मतलब बच्चों को भी पापा की यह हरकत अच्छी नहीं लगती। मन का सारा कसैलापन दूर हो गया। हंसते हुए मैंने कहा,
और अगर फ्लॉप शो हुआ तो कह देना कि मूड ठीक नहीं था और यह आलू गोभी काट रखी है, कम से कम एक सब्जी तो ढंग की बने, इसलिए आप ही बनाना। ठीक है, तुम जल्दी से यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो दोनों को डांट पड़ेगी। उसे किचन से रवाना करके मैंने परात ढूंढने की कोशिश की तो कहीं नजर ही नहीं आई। फिर दोबारा देखने पर पता चला कि परात डाइनिंग टेबल पर है और उसमें आटा गूंथा रखा है। मुझे सोनल पर इतना प्यार आया। सच, माँ का इतना ख्याल बेटियां ही रख पाती है। चोरी पकड़े जाने का डर ना होता तो वह उल्टी सीधी रोटियां भी बेल डालती। और मैं सोच रही थी कि अदिति चली गई, अब मैं इस घर में क्या करूं, मेरा यहाँ क्या काम है। अपनी पितृविहीन बच्ची को एक सुरक्षित छत देने के लिए ही मैंने यह विवाह किया था, बदले में दो अबोध बच्चों का मातृत्व स्वीकार किया था। उस समय सचिन 5 साल का था और सोनल 8 साल की। अदिति उस समय 10 साल की थी। उसके पिता की मृत्यु को 8 साल बीत चुके थे, पर मेरे साथ माँ थी। उनके सहारे किसी तरह मैंने वे दिन काट लिए थे, पर माँ की मृत्यु के बाद समस्या हो गई थी। सयानी लड़की को घर पर नितांत अकेला छोड़कर जाते डर लगता था और नौकरी मैं छोड़ नहीं सकती थी। फिर मैंने वैवाहिक विज्ञापनों की शरण ली। मुझे वही प्रस्ताव स्वीकार था जो मेरे साथ मेरी बेटी को भी स्वीकार करे। भारतीय समाज में ऐसे उदारमन पुरुष मिलना कठिन ही था, पर मेरी तलाश व्यर्थ नहीं हुई। एक दिन एक विज्ञापन नजर आया। दो छोटे छोटे बच्चों के पिता को जीवन संगिनी की तलाश थी। एक आधा संतान से भी परहेज नहीं था, बस शर्त यही थी कि उन मातृहीन बच्चों को माँ का प्यार मिलना चाहिए। लगा जैसे यह विज्ञापन मेरे ही लिए था। और फिर एक दिन मैंने अदिति के साथ इस घर में प्रवेश किया। अदिति को लेकर बहुत डर रही थी। अब तक इकलौती बेटी के रूप में सारा प्यार दुलार वही पाती रही। उसमें हिस्सा बांट क्या उसे सहन होगा? उसने बड़ी सहजता से नई परिस्थितियों से समझौता कर लिया। भाई बहनों को स्नेह सूत्र में बांधने के लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। बड़ी आसानी से वह उन लोगों की दीदी बन गई। बड़े ही सादिकार ढंग से उसने छोटे भाई बहनों की छोटी मोटी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली, जैसे यूनिफॉर्म तैयार करना, टिफिन धुलने डालना, होमवर्क करवाना। इससे मेरा भार तो कम हुआ ही, चिंता भी काफी कम हो गई। लगा कि भले ही उसने अपने मुंह से कभी कुछ ना कहा हो, अदिति अपने अकेलेपन से ऊब गई थी, छोटे भाई बहनों के लिए तरस गई थी। यूं तो वह अपने पिता के लाड़ दुलार के लिए भी तरसती रही थी, इसलिए उसने अपने पापा पर अपनी सारी श्रद्धा भी उड़ेल दी। जूते साफ करने से लेकर उनका हर काम वह खुशी खुशी दौड़ भाग कर करती रही, पर उनकी ओर से कभी उसे एक प्यार भरा स्पर्श या दुलार भरा शब्द नहीं मिला। वे तो यही समझते रहे मानो वे अपने उपकारों का प्रतिदान पा रहे हैं। यह पत्थर दिल शख्स तो उसकी विदाई पर भी ऐसे ही निर्लिप्त बना रहा। सोनल सचिन फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके चाचा ताऊ, मामा मौसी, जो खास तौर से इस शादी में सम्मिलित हुए थे, उन सबकी आंखें भी गीली थी। वैसे भी कन्या की विदाई का प्रसंग ही ऐसा होता है कि सबको रुलाई आ ही जाती है, चाहे वे वर पक्ष के ही क्यों ना हो। पर यह आदमी सूखा का सूखा ही रहा। अदिति जब उनके गले लगी तो ना तो उनका कंठ भीगा, ना हाथ ही थरथराए। लड़की बेचारी सहम कर क्षण भर में ही पीछे हट गई थी। क्या वे इस तरह सबको दिखाना चाह रहे थे कि कन्यादान का केवल कर्तव्य निभा रहे हैं? वैसे कन्या से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। खाना सानंद निपट गया तो मैंने राहत की सांस ली। शरीर और मन पस्त हो तो रोजमर्रा की रसोई भी एक संकट लगने लगती है। सब कुछ बेमन से ही बनाया था तो पूरे वक्त मन में धुगधुगी बनी रही कि अब बम फटा कि तब फटा। खाना तो शांति से निपट गया, पर बाद में सोनल जब सामान समेटने में मेरी मदद कर रही थी तो इन्होंने कहा, बेटे मेडिकल की पढ़ाई है तुम्हारी,
फालतू कामों में वक्त जाया मत करो। गुस्सा तो बहुत आया था, फिर भी मैंने सहज भाव से कहा, थोड़ा बहुत करने दीजिए, नहीं तो ससुराल में मेरा उद्धार होगा कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, वह किसी का चूल्हा चौका नहीं करेगी, इन्होंने बड़े दर्द के साथ कहा। कहने का मन तो हुआ कि डॉक्टर हो या इंजीनियर, हिंदुस्तानी लड़की को चूल्हे चौके से मुक्ति नहीं है, पर कह ना पाई क्योंकि सोनल मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। जब भी पापा गलत ढंग से उसकी पैरवी करने लगते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है, वह जल्दी से जल्दी विषय को समाप्त कर देना चाहती है। हमारी बहस को अधबीच में ही छोड़कर सोनल अपने कमरे में चली गई। उसके पापा भी अपने कर्तव्य की इतिश्री जानकर टीवी के सामने जाकर बैठ गए थे। उन लोगों के जाने के बाद मैं अकेले ही रसोई समेटती रही। मन गुस्से से जैसे उफन रहा था। अदिति को लेकर तो इतनी व्यग्रता कभी नहीं जताई। क्या उसकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था? क्या आर्ट्स वाले बिना पढ़े पास हो जाते हैं? होते भी हों तो भी 75% अंक तो नहीं पाते होंगे। उसने तो बीए और एमए में भी कॉलेज में टॉप किया था। उसका मन तो आईएएस करने का था, पर मैंने ही मना कर दिया। फिर भी वह चुपचाप नहीं बैठी। एमए के साथ साथ वह बैंक की परीक्षाएं भी देती रही, कंप्यूटर की कोचिंग लेती रही, पर उसके लिए घर में कभी कोई रियायत नहीं बरती गई। उसके कामों की लिस्ट तो बल्कि लंबी ही होती जा रही थी। एक बार तो मैंने इनसे पूछ ही लिया था, जब आप में दूसरों के बच्चे को प्यार करने की क्षमता नहीं थी तो किसी निसंतान स्त्री से विवाह करना था, पर आपका तो भावी पत्नी की पहली संतान के प्रति विशेष आग्रह था। उनका उत्तर मुझे स्तब्ध कर गया था। बोले, तुम्हें शायद मैंने बताया था कि सचिन के जन्म के बाद मैंने ऑपरेशन करा लिया था। अगर किसी निसंतान स्त्री को घर में लाता तो निश्चय ही वह अपनी संतान की कामना करती। संभव था कि अपना फ्रस्ट्रेशन वह मेरे बच्चों पर उतारती, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। मैंने सोचा कि अगर उसका बच्चा इस घर में पलेगा तो वह भी मेरे बच्चों के प्रति उदार हो सकेगी। इसकी कोई गारंटी थोड़ी ही है, मैंने कहा, इसका उल्टा भी तो हो सकता था। तो फिर मैं यहां किस लिए हूं? उनके इस वाक्य में बला का दर्प था, चुनौती थी, चेतावनी थी। क्षण भर को तो मैं सहम ही गई थी। फिर एक रोष सा मन में उमड़ा, मैं जो सहज भाव से इनके बच्चों पर अपनी ममता लुटा रही हूं, उसे क्या वे मेरी मजबूरी समझ रहे हैं? जी हुआ कि उनके इस विश्वास को चकनाचूर कर दूं, उनकी इस धारणा को मिथ्या साबित कर दूं। पर बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को देने की इच्छा नहीं हुई। वे दोनों तो मुझे और अदिति को अपना निश्चल स्नेह दे रहे थे। दोनों ही मेरी ममता पर पूरी तरह आश्रित थे। पर उस दिन जो एक गांठ मन में पड़ गई तो पड़ ही गई। आज भी उस प्रसंग को याद करती हूँ तो हृदय कड़वाहट से भर उठता है। सारे कामों से निवृत्त होकर सोने जा ही रही थी कि बेडरूम के दरवाजे पर ही ठिटक गई। पर्दे के पार कमरे में नीला प्रकाश फैला हुआ था। अगरबत्ती की भीनी सुगंध बाहर तक आ रही थी और वातावरण में जगजीत सिंह के मखमली सुर तैर रहे थे, जनाब मूड बना रहे थे, शादी की आपातापी के बाद रिलैक्स होना चाह रहे थे। वैसे भी 8-10 दिन का अंतराल उनके लिए असहनीय हो गया होगा, पर आज मेरा तन मन किसी भी तरह उसके लिए उत्सुक न था। आज मुझे ऐसे स्पर्श की आवश्यकता थी जो मुझे सांत्वना दे सके, दिलासा दे सके। मुझे ऐसे पुरुष की कामना थी जो अदिति के पिता की हैसियत से मेरा दुख बांट सके, जिसकी छाती में मुंह छुपाकर मैं जी भरकर रो सकूं। पर भीतर जो पुरुष बैठा था उससे यह अपेक्षा करना व्यर्थ था। उसका प्यार देह से शुरू होकर देह पर ही समाप्त हो जाता था। जितना वह पैसे के मामले में कंजूस है, उतना ही प्यार के विषय में भी। उसका साथ, स्नेह, सारी संवेदनाएं अपने बच्चों के लिए ही है, सारा आदर मान अपनी दिवंगत पत्नी के लिए ही है। मुझे और मेरी बच्ची को तो एक सुरक्षित छत देकर
उसने जैसे हम पर एहसान किया है और इसका एहसास वह हर पल मुझे दिलाता रहता है। कम से कम आज मैं उस पुरुष का सामना ना कर सकूंगी। कब मैं वापस आकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई खुद मुझे ही पता नहीं चला। एक निचार सूनेपन ने, अकेलेपन ने मुझे जकड़ लिया। लगा कि मैं एक उम्र कैद भोग रही हूं और यहां से निकल भागने का कोई उपाय भी नहीं है। नौकरी छोड़ने का पछतावा पहले भी कई बार हुआ था, पर आज तो अपनी उस भूल पर सिर पटकने को जी चाह रहा था। उस समय यह जरूरी हो गया था। नौकरी के साथ साथ 3 बच्चों की जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो रहा था। सौतेली माँ का ठप्पा तो मुझ पर था ही, जरा सी चूक होती तो लोगों को बात करने का मौका मिल जाता। बाहर वाले तो खैर क्या करते, मेरे सबसे बड़े आलोचक तो घर में ही मौजूद थे। फिर अदिति और सोनल दोनों बड़ी हो रही थी, उन्हें नौकरों के भरोसे छोड़ते डर लगता था। बहुत मजबूरी में मैंने इतनी पुरानी नौकरी से त्याग पत्र दिया था। मेरी दूसरी शादी के बाद मेरी पेंशन भी बंद हो गई थी। हाँ, अदिति की बराबर मिलती रही, उसे मैं जमा करती रही। संकल्प ले लिया था कि इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी, जितना भी इकट्ठा होगा अदिति की शादी पर गहने बनवा दूंगी। नौकरी छोड़ते समय मुझे जो भी मिला मैंने फिक्स में डाल दिया। उसके ब्याज से अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करती रही। वह पूरा पैसा शादी से पहले मैंने इनके हाथ में लाकर दिया। अदिति की शादी ही जैसे मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय था। जाहिर था उतने पैसे से पूरा पड़ने वाला नहीं था, उन्हें अपनी ओर से भी कुछ लगाना पड़ा था, जिसका हवाला वे पिछले 8-10 दिनों में 50 बार दे चुके हैं। कई बार कहने का मन हुआ कि आपके घर में जो इतने बरसों से खट रही हूं कुछ उसका भी तो हिसाब लगाइए, पर इतनी अच्छी बात कहने की इच्छा नहीं हुई। और फिर अभी तो अदिति की सिर्फ शादी हुई है, अभी तो साल भर के 30 त्योहार बाकी है, फिर उसके बच्चे, बच्चों के नेत्र शगुन, इन सबके लिए तो इन्हीं की शरण में आना है ना। सच, अपनी ही बनाई कारा में कैद होकर रह गई मैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस अनचाहे पल को टालकर यहां कितनी देर बैठ सकती थी मैं, कभी तो उससे 2-4 होना ही था। अनिच्छा से ही सही, उठना तो था ही। उठते हुए सामने शेल्फ पर नजर गई और कतार में रखे 3 बड़े बड़े मग्स पर अटक कर रह गई। इन्हीं मग्स में अदिति रात को तीनों के लिए दूध ले जाती थी और बहुत सारे कामों की तरह यह काम भी उसने स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया था। नीले फूलों वाला मग अदिति का था, लाल वाला सोनल का और हरे पीले फूलों वाला सचिन का। मुझे जैसे सांस लेने के लिए थोड़ी सी मोहलत मिल गई। मैंने गैस जलाकर दूध गर्म किया। नीले फूलों वाले मग की ओर भीगे नैनों से देखते हुए बाकी दोनों में भरा और बच्चों के कमरे का रुख किया। सोनल कमरे में नहीं थी, सोचा शायद बाथरूम में होगी। उसका दूध ड्रेसिंग टेबल पर रखकर सचिन के कमरे में गई। वह कंप्यूटर के सामने बैठा था। मेरी आहट पाते ही बोला, दीदी उस दिन डिस्कवरी में देखा था ना। और बोलते बोलते वह एकदम चुप हो गया। पीछे मुड़कर मुझे देखा और बोला, सॉरी मम्मा, मैं समझा कि दरअसल याद ही नहीं रहा कि। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए निशब्द भाव से आश्वस्त किया कि उसकी कोई गलती नहीं है और मैंने जरा भी बुरा नहीं माना। उसे मग पकड़ाकर सोनल के कमरे में लौटी तो देखा दूध अभी वैसा ही रखा हुआ था, सोनल का कहीं पता नहीं था। तभी बालकनी में एक छाया सी नजर आई। देखा तो रेलिंग से टिकी सोनल शून्य में निहार रही थी। सोनल, मैंने धीरे से पुकारा तो वह एकदम चौंक पड़ी। उसने पलटकर पीछे देखा। उस समय उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटे, मैंने उसे सहलाते हुए पूछा। कुछ नहीं मम्मा, दीदी की याद आ रही थी। उस क्षण वे दोनों बच्चे मुझे इतने अपने से लगे कि बस वे भी मेरी तरह अदिति की याद में भीग रहे थे। मैं उसे हाथ पकड़कर कमरे में ले आई, पलंग पर बिठाते हुए कहा,
सोनल, अब हमें उसके बिना जीने की आदत डालनी होगी। मुश्किल तो है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कहते कहते मेरा स्वर भी भीग गया। अब अलग यह था कि मैं रो रही थी और वह मुझे सांत्वना दे रही थी। बहुत देर से रुकी रुलाई इस तरह अनायास बहकर निकल गई। मन बड़ा हल्का हो गया। मम्मा, आज रात आप मेरे पास सो सकती हैं? मैंने प्रश्नार्थक नजरों से उसकी ओर देखा। दरअसल इस कमरे में कभी अकेले सोई नहीं हूं ना। छोटा था तो सचिन मेरे साथ सोता था, फिर दीदी आ गई, सिर्फ आज ही, फिर जैसे आप कहती हैं धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं कुछ कहने को थी कि तभी सचिन कमरे में आया। छोटी दी, जल्दी से दूध खत्म करो, फिर मैं ग्लास किचन में रखकर आता हूँ। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, मम्मा, दीदी ने दिन भर में एक बार भी फोन नहीं किया ना? बेटा, नई दुल्हन है, संकोच कर रही होगी। वैसे पहला फोन तो हमें ही करना चाहिए था, कम से कम पहुंचने की सूचना तो दे देते, पर याद ही नहीं रहा। अभी कर दें? वह एकदम उत्साहित हो उठा। बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़कर मैंने उसे रोका। अभी नहीं बेटा, फोन पता नहीं किसके कमरे में होगा, इतनी रात गए उन लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। इस बार दीदी आएगी ना तो हम लोग उसे एक मोबाइल लेकर देंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। सोनल ने अपना खाली मग उसे पकड़ाते हुए कहा, किचन में रखने जा रहे हो, सिंक में रखना, टेबल पर मत छोड़ देना। उसके जाते ही बोली, तार सा लंबा हो गया है, पर अकल नाम मात्र को नहीं है, यह वक्त है उन लोगों को फोन करने का। अभी छोटा है रे, इतनी ऊंच नीच कैसे समझेगा, जरा सा कद निकल आया तो क्या हुआ, अभी बच्चा ही तो है, वह बुद्धू नहीं है, बस भोला है, भगवान करे उसका भोलापन ऐसे ही बना रहे। किचन से लौटकर सचिन मेरे पास ही बैठ गया। मैं पलंग की पाटी से टिककर बैठी थी, दोनों बच्चे मेरे अगल बगल बैठे थे। बड़ी सी रजाई हम लोगों ने अपने पैरों पर डाल रखी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही कि सचिन ने एकदम कहा, शिट, दीदी नहीं है तो बड़ा बोर लग रहा है। अब इसकी आदत कर लो बच्चू जी, 3-4 साल बाद ये महारानी भी फुर्र हो जाएगी, फिर रह जाएंगे बस हम, तुम और तुम्हारे पिताश्री, तब यहां दिन में उल्लू बोलेंगे। सोनल एकदम ताव में आ गई। 3-4 साल बाद मुझे कहां भेज रही है आप? वही जहां सब लड़कियां जाती है। साफ कह देती हूं मैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे तो सभी लड़कियां कहती है, पर शादी तो करनी ही पड़ती है ना। हाँ, कैरियर का कचरा करने के लिए शादी से अच्छा बहाना कौन सा हो सकता है। आपने दीदी के साथ तो मनमानी कर ली, पर मैं दीदी नहीं हूं, यह जान लीजिए। यह क्या कह रही हो सोनल तुम, मैंने कौन सी मनमानी की है? क्यों, क्या आपको पता नहीं था कि दीदी प्रीलिम की तैयारी कर रही है? आप जानती नहीं थी कि वे बैंक की परीक्षाएं दे रही है? पर आप तो जैसे पीछे ही पड़ गई। जानती है कितने बेमन से वे शादी के लिए तैयार हुई थी? बोली, माँ की जिंदगी का तो बस एक ही मकसद रह गया है, मेरी शादी, तो कर ही लेती हूँ, रोज रोज की चकचक से तो मुक्ति मिलेगी, भाग्य में होगा तो शादी के बाद भी पढ़ लूंगी। मैं तो स्तब्ध रह गई। मेरी बेटी इन लोगों के साथ इतनी अंतरंग थी और मुझे उसके मन का पता ही नहीं चला, या कि मैंने जानबूझ के उसे अनदेखा किया। उसकी शादी की चिंता ने ही जैसे मेरा तन मन व्याप लिया था। और आपको सिर्फ दीदी की शादी से सरोकार था, वही आपकी जिंदगी का मकसद था, हम लोग कुछ भी नहीं है। शर्म से मैं पानी पानी हो गई। मेरे मन का चोर सोनल ने कितनी आसानी से पकड़ लिया था। इन बच्चों के पिता अदिति को सहज स्नेह ना दे सके तो मैंने उन्हें हमेशा कटघरे में खड़ा किया, पर मैं भी तो अदिति की शादी से परे कभी कुछ सोच ही नहीं सकी। सचिन और सोनल को लेकर कोई भी सपना मैंने नहीं देखा। क्यों? सोनल के स्वर का आक्रोश
बहुत चुभने वाला था। उसकी आंखों में लिखे आरोप पत्र को मैं सहज ही खारिज नहीं कर सकती थी, पर बचाव तो करना ही था। मैंने दोनों को अपने से सटाते हुए कहा, ऐसा कहना पड़ता है बेटा, नहीं तो वह तैयार थोड़ी ही होती। हमें बीच में सांस लेने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। इस शादी के खर्च को पाटने में 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। फिर तुम्हारी शादी है, इस लंबू राज की पढ़ाई है, सब कुछ एक साथ थोड़े ही हो पाता है। प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है। मेरे एक एक शब्द के साथ सोनल के चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम होता चला गया और मैंने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे पर आहट हुई। बच्चों के पिताजी सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कौतूहल था। क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है? कुछ नहीं, बच्चे जरा लोनली फील कर रहे थे तो मैं पास बैठ गई। और लोग भी लोनली हो रहे हैं, तो आप भी आ जाइए ना, बच्चों को अच्छा लगेगा, मैंने अपने पैर सिकुड़ते हुए कहा। कहना चाह रही थी कि आप भी इस प्यार की गर्माहट का एहसास कीजिए, पर कह नहीं पाई। पता नहीं समझ पाते भी कि नहीं। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी, बहुत दूरियां हैं मेरे आसपास।